हेलो बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है लीफ। इससे पहले अपने रूट और स्टेम के बारे में डिस्कशन कर लिया है, अभी जो अपन चल रहे हैं अब टॉपिक का आ चुका है अपना लीफ। शुरुआत करते हैं लीफ की। सबसे पहले ओरिजिन की, जो ओरिजिन जो है लीफ की वो कैसे है। ओरिजिन होती है लीफ की कहां से? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। ये टॉपिक अब जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तब उस टाइम में और डिटेल से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि लीव्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अभी जस्ट ये थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा भी है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन है कि ये अगर स्टेम है, स्टेम के टिप पर क्या होता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। जैसे जैसे स्टेम ग्रो करते जाता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो बनाती है क्या? लीव्स का फॉर्मेशन करती है। जब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हमें बताऊंगा कि मान लो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम था। शूट एपिकल जो मेरिस्टेम जो होगा, अपन डायग्राम बनाएंगे और ज्यादा डिटेल में अपन और अच्छे से उस चीज को समझ पाएंगे कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो बनाएंगे, कुछ डायग्राम ऐसा बनाएंगे। ये होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम और ये है लीफ प्राइमोर्डिया। क्या है? लीफ प्राइमोर्डिया, जो कि फॉर्मेशन करेंगे किसका? लीव्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब जैसे जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम का साइज बढ़ेगा, ग्रो करता जाएगा, डिवीजन करता जाएगा, तो ये दोनों के दोनों लीफ प्राइमोर्डिया लीफ का फॉर्मेशन करेंगे और शूट एपिकल मेरिस्टेम की लेंथ बढ़ती 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 इतना हुआ तो नेक्स्ट लीफ प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होगा और नेक्स्ट लीफ प्राइमोर्डिया से नेक्स्ट लीव्स बनेगी। अभी इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो अभी जस्ट इतना याद रखो कि शूट एपिकल मेरिस्टेम है, जो शूट बढ़ता है, स्टेम की जो ब्रांचेस जो बढ़ रही है तो ब्रांचेस की टिप जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसी से ओरिजिनेट होती है कौन? लीव्स। क्लियर है ना? चलिए एक बार को ओरिजिनेशन याद रखना है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम से लीव्स का ओरिजिनेशन होता है। नेक्स्ट है डेवलप फ्रॉम नोड। जहां कहीं पे भी अगर अगर अपन प्लांट देखें कि जहां से लीव्स निकल रही है प्लांट के अंदर, तो उस एरिया को समझ लेना है क्या है? वो नोड वाला एरिया है। जैसे अगर अपन एक डायग्राम देखें तो अगर मेरे पास ये कुछ लीव्स है, जहां जहां से लीव्स ओरिजिनेट हुई है, मान लो अगर लीव्स यहां से ओरिजिनेट हुई है तो इस चीज को हम कंसिडर करेंगे क्या? नोड वाला एरिया। तो जहां से रूट निकल रही है उससे हमें क्या समझना है कि वो क्या है? नोड। और नोड से क्या क्या निकलती है? लीव्स निकलती है। क्लियर है? अब सुनिएगा, मोनोकोट के अंदर नोड इंटरनोड तुम्हें क्लियरली विजिबल होती है। जैसे सुगर केन देखा है सभी ने, सुगर केन के अंदर नोड इंटरनोड, बेम्बू उनके अंदर नोड इंटरनोड क्लियरली विजिबल होती है, ग्रासेस। बट डाइकोट के अंदर क्लियरली विजिबल नहीं होती। तो अगर डाइकोट के अंदर अपन नोड इंटरनोड का आइडिया लगाना है तो हम क्या करेंगे? जहां से लीव्स ओरिजिनेट हो रही है, जहां से लीव्स ओरिजिनेट होती दिख रही है उसे हम नोड मान लेंगे। जैसे मेरे पास ये जो ब्रांच है वो एक डाइकोट प्लांट की है, प्लांट कौन सा ये मुझे भी नहीं पता, बट तुम्हें क्या लेना है कि जहां से कोई भी लीव्स का ओरिजिनेशन हो रहा है, जहां से लीव्स ओरिजिनेट हो रही है, अगर नोड इंटरनोड क्लियरली विजिबल नहीं है तो हमें जहां से लीव्स ओरिजिनेट हो रही है उसे ही क्या मानना है? नोड मान के चलना है। और दो नोड के बीच क्या होगा? इंटरनोड होगा। तो जो लीव्स है ओरिजिनेट कहां से होती है? नोड से ओरिजिनेट होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही काम की चीज है कि लीव का जो एक्सिल होगा, लीव के एक्सिस में या एक्सिल में ऑलवेज एक्सिलरी बड मिलेगी। एक्सिलरी बड का पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था मैंने। मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम की यहां से नोड, नोड से कोई लीफ ओरिजिनेट हुई, इस लीफ के एक्सिस पर एक्सिल कंडीशन पर यहां एक बड मिलेगी, उस बड को क्या बोला है अपन ने? एक्सिलरी बड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी बड है? एक्सिलरी बड। इस चीज को भी प्लांट एनाटॉमी में बताऊंगा, बट काम की चीज पहले बता देता हूं कि लर्न कर लेना है अभी अपन को कि एक्सिलरी बड है, हमेशा लीफ के एक्सिस में ही मिलेगी और प्रेजेंट होगी ही होगी। एक्सिलरी बड आगे जाके फॉर्म कर सकती है आइदर न्यू ब्रांच, क्या बना सकती है? नई ब्रांच बना सकती है, और वो बना सकती है फ्लावर। फ्लावर और ब्रांच दोनों का फॉर्मेशन कर सकती है एक्सिलरी बड, और ज्यादातर जनरली क्या बनाती है? वो ब्रांच बनाती है और फिर मैच्योरिटी पर फ्लावर बनाती है। जनरली तो ब्रांचेस बनाती है जिससे प्लांट ज्यादा हेज हो सके, घना हो सके। क्लियर ना? जैसे अगर मैं वापस दिखाना चाहूं तो ये स्टेम है, जहां से ये देखो स्टेम यहां से निकलना शुरू हुई, नोड से लीव्स का ओरिजिनेशन हुआ, लीव्स निकली, तो इस लीव्स के एक्सिस में, यहां पर लीव्स के एक्सिस में इस वाले रीजन में ऑलवेज 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 एक्सिलरी बड मिलेगी ही मिलेगी। और एक्सिलरी बड जो मिलती है आज कहीं आसपास छोटा मोटा प्लांट हो घर पे तो उसके अंदर ऑब्जर्व करना, जहां से लीव्स निकली है उसके एक्सिस में छोटी सी गांठ दिखाई देगी तुम्हें,
नोड के और उस जहां लीव्स लगी हुई है उस वाले पॉइंट पर, तो वो क्या है एक्सिलरी बड, और एक्सिलरी बड ब्रांच और फ्लावर बनाती है हमेशा, जनरली ज्यादातर क्या बनाती है ब्रांच और फ्लावर भी बनाती है। क्लियर चलेगा। अरेंजमेंट कैसा है इनका, अरेंजमेंट है एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर सिंपल है, इजी है। मान लो कोई सीड जर्मिनेट किया, जैसे सीड जर्मिनेट किया तो प्लूमेरियल से शूट निकलेगा, तो शूट क्या था छोटा था तो लीव्स निकली, शूट बड़ा हुआ और लीव्स निकली, और बड़ा हुआ और निकली, और बड़ा हुआ और निकली। सबसे ओल्ड वाली लीव्स कहां पर प्रेजेंट है, जैसे अगर ये शूट ऊपर बताए तो ये तो हो गई नोड, यहां पर ये लीव्स निकली, ये सबसे पुरानी वाली है कि नहीं है ओल्ड लीव, और सबसे नई वाली लीव्स कहां है सबसे ऊपर, तो मैं इसको सबसे यंग या न्यू लीव्स बोल दे सबसे ऊपर की ओर। तो अगर सबसे ओल्ड लीव्स नीचे की ओर है, सबसे न्यू लीव्स सबसे ऊपर की ओर है, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। क्या बोलेंगे इसको, एक्रोपिटल ऑर्डर, की ओल्ड वाली सबसे नीचे और न्यू वाला सबसे ऊपर। क्लियर चलिएगा। जब एक स्टेम के अंदर अपन लीव्स को देखते हैं तो कौन कौन से अपन को पार्ट्स दिखाई देते हैं, बहुत इजी है, इसी के डायरेक्ट इससे क्वेश्चन कम पूछता है, चीजें आगे बढ़ती जाएगी समझते जाएंगे हम, उससे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर अपन स्टेम की बात करेंगे कि स्टेम के जिस पार्ट से लीव्स लगी होती है, जैसे मैंने इस चीज को समझाने की यहाँ पे कोशिश करी, एक बार आप इसको उतार लेना, इसको नोट कर लेना, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं इसी लीव्स के पार्ट को समझने के लिए। चलिए यहां पर अगर अपन लीव्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या है लीव्स बात करें, तो मान लो ये स्टेम है, ये नोड थी, नोड से ओरिजिनेट हुई है अपनी लीव्स, नोड से ओरिजिनेट क्या हुई है, ये लो भाई लीव्स ओरिजिनेट हो गई, जहां से लीव्स ओरिजिनेट हुई है उसे अपन नोड बोला था, और लीव्स का नोड वाला पार्ट जहां से लीव जस्ट निकली है वो कहलाता है लीफ का लीफ बेस। क्या कहलाएगा, लीफ बेस, जहां से निकली वो क्या है नोड, और इस लीफ का यहां से यहां तक का पार्ट जो बेस वाला पार्ट है क्या है लीफ बेस है, और स्टोक जो है अपने लीफ का, जो स्टोक स्टेम के साथ इस लीफ लेमिना को, लीफ लेमिना को अटैच करके रखता है, उसे क्या बोलते हैं पिटियोल, क्या बोलते हैं पिटियोल। क्लियर है। और ये वाला जो ब्रॉड पार्ट जितना सरफेस एरिया ज्यादा है, जो ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस करता है, बताइए क्या बोलेंगे इसको, लीफ लेमिना, क्या बोलेंगे लीफ लेमिना। तो लीफ के अंदर तीन पार्ट देखे अपने, ये मेन स्टेम हो गया जहां से ओरिजिनेट हो नोड, और बेस वाला पार्ट लीफ बेस, जो स्टोक है इस लीव्स को होल्ड किए हुए हैं वो क्या है लीफ सॉरी पेटियोल, और ये वाला ग्रीन पार्ट जो सरफेस एरिया का ज्यादा है वो लीफ लेमिना है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। क्लियर है। और पिटियोल क्या कर रहा है, इसको स्टेम के साथ लीफ लेमिना को अटैच करने में हेल्प करता है। और अगर पिटियोल का फंक्शन देखें तो क्या होगा कि ये लीव्स को बोले तो जैसे ये लो अपने ये पिटियोल है, ये इसके पिटियोल है, पिटियोल क्या कर रहा है जैसे हवा चलती है एयर मूवमेंट होता है तो ये पिटियोल को फ्री मूवमेंट होने देती है कि फ्रीली इधर से उधर मूव कर सकती है, जिससे आसपास की फ्रेश एयर इनको मिल सके और इधर उधर एयर से मूवमेंट हो सके, और सनलाइट की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सनलाइट होगा उस डायरेक्शन में प्रॉपर वो घूम सके हर अच्छे से, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर गिरती रहे, तो फ्रेश एयर फ्री एयर मूवमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है पिटियोल, जो कि होल्ड किए रखता है किसको लीव्स को। क्लियर है। अब देखिएगा पिटियोल और लीफ बेस, लीफ बेस के यहां पर अपने बताया कि लीफ के एक्सिस में क्या मिलती है बड मिलती है, उस बड को क्या बोलते हैं अपन एक्सिलरी बड, क्या बोलेंगे इसको एक्सिलरी बड बोलेंगे। क्लियर। अब इसी को कुछ और नाम दे देते हैं, लीफ लेमिना पिटियोल और लीफ बेस को। लीफ लेमिना सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं एपिपोडियम, क्या बोलते हैं एपिपोडियम, सबसे ऊपर है इसलिए बोल दिया आपने इसको एपिपोडियम। पिटियोल मिडल वाला पार्ट है, इसको बोल दिया मेसोपोडियम, और बेस वाला पार्ट सबसे बेस वाला पार्ट है तो इसको अपने बोल दिया हाइपोपोडियम। तो एपिपोडियम, मेसोपोडियम और हाइपोपोडियम, ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, एक लीव्स बनाते हैं, लीफ लेमिना पिटियोल और लीव बेस। क्लियर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पिटियोल की, ये पिटियोल है, एक चीज और मैं बता देता हूं यहीं पे कि जो अपने फ्लावर, जो अगर हम बात करें ये स्टेम है ये वाला पार्ट, और जहां पर क्या लगा है फ्लावर, अगर फ्लावर स्टेम के साथ जिस
स्टोक से जुड़ा रहता है, बोलो खुद बोल दो किसे क्या कहते हैं, फ्लावर स्टेम के जिस स्टोक की सहायता से जुड़ा रहता है उसे क्या बोलेंगे, पेडिसेल। क्या बोलेंगे, पेडिसेल। और लीव्स का बोले तो वो पिटियोल। क्लियर ना, चलिएगा ध्यान रखना इन चीजों का। अब आगे देखते हैं कि पिटियोल कुछ प्लांट के अंदर मॉडिफाई हो जाता है, कुछ प्लांट के अंदर मॉडिफाई हो जाता है, किस प्रकार हो जाता है सुनिएगा। जो पिटियोल है कुछ में पिटियोल स्वेलन हो जाएगा, जैसे देखना कि ये वाला जो पार्ट था, ये वाला लीफ बेस था, ये पिटियोल स्वेलन हो गया। क्या हो गया, पिटियोल स्वेलन हो गया, पिटियोल फूल गया। और ये है लीफ लैमिना, ये क्या है, लीफ लैमिना, ये बनाया लीफ लैमिना। और ये पिटियोल था स्वेलन हो गया, स्वेलन पिटियोल किसके अंदर मिलता है, आई कॉर्निया के अंदर मिलता है, आई कॉर्निया के अंदर मिलता है, जो कि वॉटर हाइसिंथ एक्वेटिक प्लांट है। गूगल पे सर्च करना इनका डायग्राम, और अच्छे से क्लियर इमेज बनेगी। क्या पिटियोल स्वेलन हो गया, किसे मिलेगा, आई कॉर्निया के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करें विंग्ड पिटियोल की, कि ये लीफ बेस था और ये था पिटियोल, पिटियोल कुछ इस प्रकार से मॉडिफाइड हो गया, विंग शेप हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, विंग पिटियोल। और ये है लीफ लेमिना, ये पिटियोल लीफ लेमिना, ये लीफ बेस, कंप्लीट लीफ किसमें मिलेगी, सिट्रस के अंदर। नींबू का पेड़ अगर देखा आसपास कहीं मिले तो जरूर ऑब्जर्व करना, और अच्छे से बिल्कुल याद हो जाएगा, या गूगल भी जरूर कर लेना इसका डायग्राम की सिट्रस जो है उसकी लीव्स का डायग्राम, तो तुम्हें जो यहां से बीच में बिल्कुल 100% कट मिलेगा, ऐसा लगेगा कि लीफ दो पार्ट में डिवाइड है, नहीं, दो पार्ट में डिवाइड जो है उसमें से दोनों पार्ट लीफ लेमिना के नहीं है, एक पिटियोल है, आगे वाला ब्रॉड वाला पार्ट लीफ लेमिना है। तो स्वेलन पिटियोल मिलेगा आइकोर्निया के अंदर, विंग पिटियोल मिलेगा सिट्रस के अंदर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर लीव्स के अंदर पिटियोल प्रेजेंट है तो लीव्स कहलाती है पिटियोलेट लीव्स, जिनके अंदर पिटियोल प्रेजेंट है वो पिटियोलेट लीव्स कहलाएगी, जिनके अंदर पिटियोल एब्सेंट है उन लीव्स को बोलते हैं सेसाइल। सेसाइल एनिमल किंगडम के अंदर भी वर्ड यूज किया होगा तुम लोगों ने, सेसाइल का मतलब जो एक जगह फिक्स रहता है, इधर से उधर फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता, वो होता है सेसाइल। तो यहां पर जो लीव्स जिनमें पिटियोल नहीं होगा वो सेसाइल होगी। बोले तो अपने बताया पिटियोल तो क्या करता है, फ्री मूवमेंट करवाता है एयर के अंदर लीफ लेमिना को, अगर वो नहीं होगा तो लीव्स फिक्स रहेगी, फ्रीली जितना मूवमेंट पिटियोल के साथ कर रही थी उतना मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो मूवमेंट क्या क्या कहलाएगी, वो कैसी लीव कहलाएगी, सेसाइल लीव्स कहलाएगी, पिटियोल क्या रहेगा, एब्सेंट। अगर पिटियोलेट लीव्स की बात करें, सीधा सा याद रखना कि डाइकोट जो प्लांट है उनके अंदर पिटियोल प्रेजेंट होता है, मोनोकोट के अंदर पिटियोल एब्सेंट होता है। डाइकोट में पिटियोल प्रेजेंट होता है, मोनोकोट में एब्सेंट होता है। अगर तुम लोगों ने गन्ने का सुगर केन को अगर देखा है, नहीं देखा तो अभी कभी दिख जाए तो ध्यान से देखिएगा, जो गन्ने का जो गन्ना है उसके अंदर इस प्रकार से नोड इंटरनोड तुम्हें दिखाई देगी, और देखना कि उसकी जो लीव्स है वो डायरेक्ट यहां से इस प्रकार से मिलेगी तुमको, बड़ी बड़ी लीव्स होगी, चाहे बाजरा देख लो या गन्ना देख लो, वहां पे इस प्रकार से बड़ी बड़ी लीव्स दिखाई देगी, वहां तुम्हें किसी भी प्रकार का पिटियोल नहीं मिलेगा, पिटियोल एब्सेंट है, ऐसी लीव्स को सेसाइल लीव्स बोलते हैं। बस डायरेक्ट नोड से ऐसा लग रहा है कि लीव्स निकल रही है, डायरेक्ट लीव्स निकल रही है। इवन बनाना के अंदर भी ऑब्जर्व करना, बनाना के अंदर बहुत बड़ी लीव्स तुम्हें दिखाई देगी, तो उसके अंदर भी पिटियोल एब्सेंट है, पिटियोल नहीं है। क्लियर है, तो मोनोकोट के अंदर लीव सेसाइल है, पिटियोल एब्सेंट है, डाइकोट में प्रेजेंट है। अपने आसपास जहां जहां तुम्हें लीव्स ऐसी दिखाई दे, मतलब जिसके साथ इस प्रकार का स्टोक भी प्रेजेंट हो, स्टोक भी प्रेजेंट हो, समझ जाना एक कैरेक्टरिस्टिक अपन मान सकते हैं कि डाइकोट लीव्स का होगा। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें। अब आते हैं लीफ का बेस वाला पार्ट, अपने लीफ लेमिना पिटियोल, अब आते हैं लीफ बेस कि लीफ बेस जो है वो जहां से नोड से लगी हुई है वो क्या है, लीफ बेस। अब कई बार लीफ बेस मॉडिफाई हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं का अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सा लीफ बेस मॉडिफाई हो चुका है। सम लेग्यूम प्लांट, बोले सभी नहीं, कुछ लेग्यूम प्लांट के अंदर, लेग्यूम प्लांट की जो फैमिली है जिसे अपन पी बीन एग्जाम्पल बताते हैं, फाबेसी फैमिली है, नाम याद रखना, एनसीईआरटी के अंदर अपने फैमिली है ये। सम लेग्यूम प्लांट से फाबेसी फैमिली के अंदर ये स्टेम है, और जहां से लीफ निकली वो नोड, नोड और लीफ का जो बेस वाला पार्ट लीफ बेस, लीफ बेस क्या हो जाता है, स्वेलन हो जाता है।
ध्यान से, यहां स्वेलन मैंने लीफ बेस नहीं बोला, यहां स्वेलन क्या है, पिटियोल है, यहां स्वेलन लीफ बेस है, दोनों चीज अलग अलग है। स्वेलन लीफ, अब स्वेलन पिटियोल का मिलना आइकोर्निया का कैरेक्टर है, और स्वेलन बेस का मिलना सम लेग्यूम प्लांट फाबेसी फैमिली के मेंबर का कैरेक्टर है। और जो स्वेलन लीफ बेस है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है याद रखना, इसे हम बोलते हैं पल्विनस लीफ बेस। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्या पल्विनस लीफ बेस, बेस बात कर रहे हैं, वो स्वेलन पिटियोल था। चलिएगा, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया कि इन केस ऑफ मोनोकोट, मोनोकोट के अंदर शीथिंग लीफ बेस मिलता है। क्या मिलता है? शीथिंग लीफ बेस। शीथिंग का मतलब क्या होती है? कवरिंग। शीथिंग का मतलब क्या है? कवरिंग। आज सुबह जब भी तुमको मौका मिले, घर के आसपास घास मिल जाएगी तुम्हें, ग्रास को ऑब्जर्व करोगे। कैसे? एक ग्रास का टुकड़ा लेके आना, उसमें नोड इंटरनोड क्लियरली विजिबल होती है, बट नोड इंटरनोड तब दिखेगी जब तुम उसके ऊपर जो लीफी पार्ट उसको हटा दोगे। ध्यान से ऑब्जर्व करना, पहली बात तो पिटियोल एब्सेंट होगा, दूसरी बात देखिएगा, समझने की कोशिश करना कि नोड, नोड के बीच में इंटरनोड, ये दूसरी नोड, नोड के बीच में इंटरनोड, कुछ ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा। कोशिश करना, जहां से लीफ ओरिजिनेट हुई वो नोड वाला पार्ट, लीफ ओरिजिनेट हुई तो जो लीफ बेस है यहां एक्सटेंड हो जाता है और मॉडिफाई होकर इस पूरे जो नोड है, नोड वाले पार्ट को वो इस प्रकार से कवर कर लेगा, और कवर करने के बाद डायरेक्ट लीफ लेमिना ओरिजिनेट होती है। क्या? नोड से लीफ निकलेगी और जो लीफ बेस है वो शीथ लाइक हो जाएगा, कवरिंग हो जाएगी जो इंटर नोड को कवर करते हुई, फिर डायरेक्ट लीफ लेमिना निकलेगी, पीटियोल एब्सेंट है। जैसे अगर सिंपली मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करें, ये प्लांट की, ये देखो यहां से ये नोड अलग कलर से दिखा देते हैं, ये अगर नोड है, ये नोड है, बीच का गैप इंटर नोड, तो यहां पर जो लीफ ओरिजिनेट हुई उसका लीफ बेस, लीफ बेस, लीफ बेस ने नोड को कवर कर लिया और उसके बाद डायरेक्ट क्या है, लीफ लेमिना ओरिजिनेट हो गई। इस प्रकार के लीफ बेस को हम बोलते हैं शीथिंग लीफ बेस। क्या बोलेंगे? शीथिंग लीफ बेस। यहां पे भी ये हो सकता है कि शीथिंग लीफ बेस या तो बोले तो कंप्लीटली और पार्शली स्टेम को कवर कर ले, कंप्लीटली और पार्शली कवर द स्टेम, ये हो सकता है, तो नोड को कंप्लीटली कवर कर ले या पार्शली कवर कर ले, कहलाएगा क्या? लीफिंग शीथ बेस। ऑब्जर्वेशन जरूरी है, एक बार जरूर देखिएगा। क्लियर है? अब चीजों को देखेंगे तभी थोड़ा सा दिमाग में बैठ पाएगी। यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल का खेल आएगा, बहुत सारी फैमिली का नाम आएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट बार बार हम पढ़ेंगे, लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, एक चीज और आ चुकी है, स्टिप्यूल, एक नाम आया स्टिप्यूल। ध्यान से देखना, इसको भी समझने की कोशिश करना, ये कई बार गड़बड़ करता है। तो स्टिप्यूल क्या है, ये अपने बताया, ध्यान से देखिएगा, स्टेम, ये था पिटियोल और ये है लीफ लेमिना। यहां पे अपने बताया कि लीफ के एक्सिस में एक्सिलरी बट होती है, यस ऑलवेज ऑलवेज होती है, बट एक्सिलरी बट के अलावा जहां लीफ बेस वाला पार्ट है उसमें लेटरल अपेंडिजेस ऑन द आइदर साइड ऑफ द लीफ बेस, कि जो लीफ बेस वाला पार्ट है उनके दोनों लेटरल साइड के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, दोनों साइड के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ नहीं है, लीफ लाइक अपेंडिजेस मिलता है, उन अपेंडिजेस को क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टिप्यूल बोलते हैं। जैसे बेर देखा है, बेर, बेर की जो झाड़ी होती है, जिजिबस जिसका नाम है साइंटिफिक, उसके अंदर बड़े बड़े कांटे मिलते हैं, वो कांटे एक्चुअल में स्टिप्यूलेट या स्टिप्यूल वाला ही मॉडिफिकेशन है, स्टिप्यूल का ही मॉडिफिकेशन है जिजिबस बेर के अंदर कांटों का मिलना, कि जो लीफ लाइक जो अपेंडेजेस थे वो क्या है, स्टिप्यूल। मैंने क्या बोला, एक्सिलरी बड अलग है, स्टिप्यूल अलग है। अरेंजमेंट क्या है, थोड़ा सी समझने की कोशिश करिएगा कि कुछ इस प्रकार से, अगर मैं बताऊं कि ये मेरे पास एक लीव ले लेता हूं, ये अपने पास एक लीव है, ठीक है, ये इसका पिटियोल से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ, ये मान लो स्टेम है, स्टेम के साथ ये अपने इसको फिक्स कर देते हैं,
स्टेम के साथ इसको ये लो, स्टेम के साथ अपने लीव्स को फिक्स कर दिया। क्लियर है? चलिएगा, सुनिएगा। अब जो अगर लीफ ऐसे लगी अपने लगा रखी है, ध्यान से रेजा भाई, लीफ के यहां पर एक्सिस में क्या मिलेगी? एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। लीफ के एक्सिस में यहां मिलेगी एक्सिलरी बड। और सुनिएगा, लेटरल साइड में यहां पर और वहां पर दोनों लेटरल साइड में क्या मिलेंगे? जो लीफ के अपेंडेजेस जो मिलेंगे उन्हें बोलते हैं अपन स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। यह है पिटियोल। मेरा हाथ मान लो स्टेम, पिटियोल स्टेम, ये लीफ बेस, आगे लीफ लेमिना। यहां पर मिलेगा अपन को एक्सिलरी बड। क्या मिलेगी? एक्सिलरी बड, इसके एक्सिस पर। क्लियर है? अब देखिएगा, यहां पर मान लो जैसे मैं बना रहा हूं कि इस साइड में, यहां पर जैसे इस साइड में ये रहा, ये पिटियोल लीफ बेस या एक्सिलरी बड, इसके लेटर साइड में एक ये स्टिप्यूल और दूसरा यहां से निकलता हुआ दूसरा स्टिप्यूल, कि उसके लेटरल साइड में स्टिप्यूल कुछ ऐसे, ये दोनों स्टिप्यूल, बीच में अपने पिटियोल स्टिप्यूल और ऊपर यहां क्या है? एक्सिलरी बड है। कुछ समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, स्टिप्यूल और एक्सिलरी बड दोनों अलग अलग चीज है। जो स्टिप्यूल जिनके अंदर प्रेजेंट होगा लीव्स कहलाएगी स्टिप्यूलेट लीव्स, जिसमें नहीं होगा एक्स स्टिप्यूलेट। तुम्हें पता है एक्स का मतलब क्या होता है? पता है मतलब जो अभी नहीं है, मतलब यहां पर स्टिप्यूल नहीं है तो एक्स स्टिप्यूलेट लीव्स। स्टिप्यूल क्या होगा? एब्सेंट होगा। स्टिप्यूल प्रेजेंट है कहां पे? फाबेसी फैमिली, हमारी एनसीईआरटी के अंदर फैमिली है तो मतलब पूछा जा सकता है। सोलेनेसी और लिलियेसी फैमिली के अंदर स्टिप्यूल एब्सेंट है, तो सब स्टिप्यूल प्रेजेंट हो नहीं हो जरूरी नहीं है। क्लियर है? अगर यहां पर लीव्स के अंदर स्टिप्यूल बोला, आगे हम पढ़ेंगे कि स्टेम, ये स्टॉक, और अगर ये फ्लावर है, ध्यान से क्या बोला, अगर ये पुष्पा है, फ्लावर है, फ्लावर का स्टॉक बोल क्या कहलाएगा? यस सर, पेडिसेल। लीव्स का स्टॉक पेटियोल। तो यहां पर अगर फ्लावर के बेस से अगर जो लीफ लाइक अपेंडेज मिलेगा अपन को, उसको हम क्या बोलेंगे? लीफ लाइक अपेंडेज को उसको हम बोलते हैं ब्रैक। क्या बोलेंगे? ब्रैक। ध्यान रखना, लीफ के एक्सिस के अंदर जो अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस जो मिल रहे हैं वो स्टिप्यूल है, अगर फ्लावर के बेस पे मिलते हैं तो उन्हें ब्रैक्ट कहते हैं। इतना क्लियर है?